कैसे इनका नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन करते हैं पार्ट टू में हम बात करेंगे एक्जेक्टली exactly फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड अदर रिलेवेंट जो एस्पेक्ट होते हैं रिलेटेड टू ट्राइप ट्रॉपिकल साइक्लोस वो हम सेकेंड वीडियो में बात करेंगे राइट right? तो फर्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं सबसे पहले नेमिंग Naming क्यों इंपॉर्टेंट है दैट uh, सबसे पहले नाम कैसे रखा गया कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि व्हाई वी शुड हैव टू टू प्रोवाइड अ नेम अ पर्टिकुलर ट्रॉपिकल साइक्लोन इवेंट क्यों जरूरी है सबसे पहला कारण है कि जब भी आप बात करेंगे मान लीजिए एक साथ दो या तीन साइक्लोन फॉर्म हुए हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर मैं बात करूं इंडिया की फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिया ंगल प्रेशन है अब मुझे डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत अगर बताना है लोगों को अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसके तहत इन्फॉर्म करना है लोगों को तो अगर मैं नेम नहीं दूंगा मैं सिर्फ ये बोलूँ की साइक्लोन टूवर्ड्स उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश साइक्लोन टूवर्ड्स तमिलनाडु तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है सो इन ऑर्डर टू मैनेज द डिजास्टर इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट कम्युनिकेशन आपको नेम देना बहुत जरूरी हो जाता है तो ध्यान रखना फॉर इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट यू हैव टू प्रोवाइड अ नेम टू अ पर्टिकुलर ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट इज द वन एस्पेक्ट द सेकंड एस्पेक्ट इज मान लीजिए इस जो साइक्लोन है इसका इंपैक्ट ऐसा था कि उसके पीछे जो साइंटिफिक स्टडी है उसको अगर आपको बताना है कि दिस पर्टिकुलर इवेंट वाज स्टडीड साइंटिफिकली तो आप उसको कुछ नाम देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना सो साइंटिफिक स्टडी हो एविडेंसेज़ हो कितना वहां पे नुकसान हुआ दैट इज समथिंग कि आपको नाम देना बहुत जरूरी हो जाता है सो दैट्स व्हाई नेमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू रिमूव द कंफ्यूजन While and the is जब भी आप उसके पीछे स्टडी करेंगे तो उसका नाम होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अब बात करते हैं कि नाम का जो ये सिलसिला है कैसे स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के एक एफ चैनल था उसने सबसे पहले ये स्टार्ट किया जो वहां के ऑस्ट्रेलिया के करप्ट पॉलिटिशियंस होते थे उनके नाम पे इन्होंने साइक्लोन का नाम देना स्टार्ट किया तो US में, there was an जिसने एक बुक भी लिखी थी स्टॉम करके और उसनेट करी खास करके इन साइक्लोन्स की एंड देशल गिवन टू दाइक्लोन्स वॉज ऑफ हर ऑफ हिस्स गर्ल फ्रेंड्स उसकी जो गर्लफ्रेंड्स कैटरीना मारिया ये जो, के नाम से हो जो आपका फीमेल नेम था वो दिया जाना स्टार्ट हुआ लेकिन नाइनटीन में समवेयर फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होते हैं एंड यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज होता है कि वाई दिस जो ये इवेंट है इनको फीमेल नेम ही क्यों दिए गए मेल नेम क्यों नहीं है या फिर जेंडर न्यूट्रल नेम क्यों नहीं है एंड बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट फेमिनिस्ट मूवमेंट जेंडर न्यूट्रल नेम देना स्टार्ट किया और स्पेशली वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने जो हमारे ओशियंस हैं उनको डिवाइड किया सम पार्ट्स में जैसे फॉर एग्जांपल पैसिफिक है तो नॉर्थ पैसिफिक साउथ पैसिफिक अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक अटलांटिक साउथ इंडियन ओशियन नॉर्थ इंडियन ओशियन सदर्न इंडियन ओशियन तो इस तरह से हमने ओशियंस को डिवाइड कर दिया एंड अकॉर्डिंग टू दैट डिविजन जो है हमने नेम देना स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू दीज गाइडेंस ऑफ डब्ल्यू वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन राइट लेकिन 1999 तक इंडिया के ओशन में जो भी साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते थे हम उनको कोई नाम नहीं देते थे इट वाज ओनली 2000 जब हमने ये कंसीडर किया कि यस वी शुड आल्सो प्रोवाइड द नेम्स टू ट्रॉपिकल इवेंट्स ठीक है इनको हमें भी नाम देना चाहिए एंड 2000 में भी हमारी जो कंसेंसस नहीं बनती है स्पेशली जो इंडियन ओशन के जो कंट्रीज हैं इंपेक्टेड कंट्रीज हैं उसमें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में यहां भी डसल चल रहा था जो नेम है उस पर भी हमारा वहां पे कंटिन्यूसली डिस्प्यूट चल रहा था 2004 के बाद से हमारे जो नाम देना है हमने स्टार्ट किए राइट पहले आठ कंट्रीज थी लेकिन अभी थर्टीन कंट्रीज हैं इंडियन ओशियन में जो जिनके ऊपर इंपैक्ट आता है वो सब लोग मिलकर एक नाम देते हैं डब्ल्यू एम ओ का एक रीजनल जो सेंटर है इन एंड दैट गिव्स द नेम टू दीज साइक्लोन्स बेस्ड ऑन द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय दीस थर्टीन कंट्रीज जो थर्टीन कंट्रीज हैं वो एक एक नाम तेरा-तेरा दे, नाम देती हैं हर कंट्री थर्टीन नेम देगी एंड जो है उस नेम के हिसाब से मैं आपको दिखाने वाला हूं लिस्ट बनाई जाएंगी और उस लिस्ट में से नाम लिया जाता है तो ध्यान रखना नेमिंग का कैसे हमने देखा कि किस तरह से ये फेमिनिस्ट जो मूवमेंट थे उन्होंने जेंडर न्यूट्रल नेम की तरफ हम आ चुके हैं बिकॉज ऑफ दीज मूवमेंट है ना अगर आप लिस्ट देखेंगे तो इंडियन ओशन में थर्टीन कंट्रीज आर देयर दे विल गिव यू देव नेम्स एंड टोटल नेम्स वुड बी देयर और लिस्ट विल बी अकॉर्डिंग टू नेम्स ठीक है ध्यान रखना तो अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं कंट्रीज को अरेंज करूंगा तो फर्स्ट एल्फाबेटिकल कंट्रीज बांग्लादेश देन इंडिया ईरान मालदीव म्यांमार ओमान पाकिस्तान कतर इस तरह से ये थर्टीन कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट होता है तो उनसे इम्पैक्ट होते हैं इन्होंने सबने एक एक नाम दे रखा है इस तरह से टोटल थर्टीन लिस्ट आर देयर तो बांग्लादेश का जो है निसर्गा ठीक है इंडिया का गोती निवार बुरवे तो अभी अगर हम बात करें ट्वेंटी ट्वेंटी वन की तो देअर वर थ्री इंपोर्टेंट साइक्लोन्स विच अराइव इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो फर्स्ट आपने देखा होगा दिस वॉज ताउते इंडियन ओशन में ही आया था ये नाम था गिवन बाय दिस म्यांमार द नेक्स्ट नेम वुड बी ऑब्वियसली गिवन बाय दिस ओमन जो होना था यास और वही नाम दिया हमने यास आपने देखा होगा ऑफ बंगाल में अब जो नेक्स्ट आया है दैट इज नेम गिवन बाय दिस पाकिस्तान दैट इज गुलाब नेक्स्ट जो होगा वो होगा कौन सा शाहीन एंड ये कतर ने दिया हुआ है जैसे ही ये लिस्ट एग्जॉस्ट होगी सेकंड लिस्ट पे आ जाएंगे सेकेंड लिस्ट पे फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर सेकंड लिस्ट एग्जॉस्ट होगी थर्ड लिस्ट पे आएंगे एंड इन दिस वे हम उनकी नेमिंग करते हैं तो ध्यान रखना जो जो का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट दैट इज सिचुएटेड इन दिस दिस डेली डेली न्यू प्रोवाइड्स द नेम टू साइक्लोन्स स्पेशली इंडियन ओशन में ओरिजिनेट होते हैं बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में तो इस तरह से इनकी नेमिंग की जाती है मैंने आपको बताया कि नेमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हमने कवर कर लिया अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की जो साइक्लोन्स होते हैं दे ऑलवेज Will be generated over the low pressure areas, है? तो लो प्रेशर को इन जनरली हम डिप्रेशन बोलते हैं जियोग्राफिकल टर्म्स में डिप्रेशन तो इस साइक्लोन को हम तीन भागों में बांट सकते हैं दैट इज फर्स्ट इज डिप्रेशन देन साइक्लोन एंड देन फाइनली सुपर साइक्लॉन ठीक है तो ये जो है तीन बड़े मेजर क्राइटेरिया है दैट इज सुपर साइक्लोन ये तीन बड़े आपके क्लासिफिकेशन हो सकते हैं अगर हम आई की बात करें तो वो इसको कैसे क्लासिफाई करता है बेस्ड ऑन द विंड स्पीड जो वहां पे विंड स्पीड होती है तो जब भी आपका विंड स्पीड 60 किलोमीटर से नीचे है बियॉन्ड 60 uh, 60 किलोमीटर लेस देन 60 किलोमीटर तो दैट वुड बी डिप्रेशन इसको भी इन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया लो प्रेशर एरिया मतलब सिंपल लो प्रेशर है देन डिप्रेशन देन डीप डिप्रेशन ठीक है तो वो अकॉर्डिंग टू द विंड स्पीड है ध्यान रखना जैसे ही ये स्पीड 60 से ऊपर होती है 60 किलोमीटर से एंड 220 तक इसको बोला जाता है साइक्लोन ठीक है एंड आफ्टर दिस 222 इसको बोला जाता है सुपर साइक्लोन सो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द विंड स्पीड्स वहां पे जो विंड स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन होता है दैट इज आपका आई ने जो क्लासिफाई किया हुआ है तो ध्यान रखना उसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन है जैसे साइक्लोनिक स्टॉम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉम दैट इज

Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both Prelims and Mains perspectives. Last year, we have helped more than hundred students crack IAS with our Current Affairs classes.